तो दोस्तों, इस समय भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और दुश्मन देश की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कम से कम 200 नए फाइटर जेटों की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत 114 नए फाइटर जेट लेना चाहता है। साथ में स्वदेशी फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना खरीद रही है, जिसमें तेजस MK1 और MK2 शामिल हैं। परंतु सबसे बड़ी नंबर के अंदर भारतीय वायुसेना खरीदना चाहती है रफाल, जो कि MRFA टेंडर के तहत खरीदा जाएगा। परंतु यह टेंडर भी काफी डिले चल रहा है। अब इसी बीच रशिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर आया है, जिसमें रशिया ने भारत से कहा है कि भारत राफेल को साइड रख के राफेल से भी दमदार फाइटर जेट, जो कि रशिया का 5वीं पीढ़ी का जेट है, SU-57 ले ले। अब आप सभी को बता दूं कि रशिया SU-57 को भारत के लिए बहुत पहले से ऑफर कर रहा है। पहले हमने रूस के साथ इसको मिलकर बनाने के लिए काम किया था, परंतु तकनीकी हस्तांतरण की कुछ बीच में गलतफहमी हुई, जिसके चलते भारत इस प्रोग्राम से हट गया और हम खुद का स्वदेशी फाइटर जेट अमका बनाने लगे थे। परंतु फाइनली रशिया चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर SU-57 को बनाए, ताकि भारत को SU-57 की सारी तकनीक मिल जाए, साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर भी हो। और वैसे भी जो एक रफाल है उसका प्राइस करीब 1700 से 1800 करोड़ के आसपास पड़ता है। तो इतने में SU-57 यदि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत को मिल जाए तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे भी रफाल की तकनीक भारत को नहीं मिलेगी, पर रशिया SU-57 की तकनीक भारत को देगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है और इस समय भारत को रफाल लेना चाहिए या फिर रशिया से SU-57, कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।